हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे चिली गार्लिक मैगी, आप इसे जरूर ट्राई करें। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लहसुन के छिलके को छील के एक बोल में ले लेंगे। अब इसे ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। ग्रेटर से ग्रेट करके मैगी बनाने से मैगी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। लहसुन को हम थोड़ा सा बड़े पीसेस में लिए हैं ताकि वो बिल्कुल बढ़िया से ग्रेट हो जाए। अगर लहसुन बहुत छोटे रहेंगे तब इसे ग्रेट करने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तब आप उसे बिल्कुल चॉप्ड करके ऐड कर सकते हो। ये देखिए, अब हमने इसको ग्रेट कर लिया। और हरी मिर्च को हमने ऐसे लंबे पीसेस में कट किया है और अदरक को बिल्कुल बारीक कट किया है। अब एक कढ़ाई में हम 1/2 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद अब इसमें हम बटर ऐड करेंगे। हम इसे बटर और ऑयल दोनों में बना रहे हैं। ऑयल डालने से बटर जलता नहीं है और बहुत ही अच्छी तरह से मैगी बनती है। आप चाहें तो सिर्फ बटर या सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हैं। दोनों ऐड करने से ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। इस समय हमने फ्लेम को मीडियम रखा है। बटर को बिल्कुल मेल्ट हो जाने देंगे। जब बटर बिल्कुल मेल्ट हो जाए तब इसमें हम बारीक कटे हुए अदरक और हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसके बाद अब इसमें ग्रेट किए हुए लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन ऐड करने से मैगी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप अमाउंट अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकती हो। अब इसे हम लगभग 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का बिल्कुल बढ़िया सा फ्लेवर आए। अब इसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। आप इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। मिक्स करके टोटल हमने लगभग 1 मिनट तक फ्राई किया है। भुनते समय अगर ये जल रहा है तब आप फ्लेम लो भी कर सकती हो। 1 मिनट फ्राई होने के बाद अब इसमें हम लगभग 2 कप वाटर ऐड करेंगे। हम इस मैगी को हल्का सा ड्राई बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया है। अगर आप सूपी बनाना चाहते हो तब आप और वाटर भी ऐड कर सकते हो। वाटर को बॉईल होने देंगे। जब वाटर बॉईल होने लगे तब इसमें मैगी के पीसेस को ऐड करेंगे। हम 2 पैक्स मैगी बना रहे हैं। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा बना सकते हैं। पैक्स ऐड करने के बाद अब एक बार हम फ्लेम को हाई कर देंगे और जब मैगी बॉयल होना स्टार्ट हो जाए तब हम फ्लेम को लो कर देंगे। एक बार स्पैचुला से मैगी को पलट लेंगे ताकि ये बिल्कुल इक्वली बॉयल हो। दोनों साइड पलटते हुए बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। बीच में ही हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। मैगी के टेस्ट मेकर में पहले से ही सॉल्ट एडिड होता है इसलिए हम इसमें कम सॉल्ट ही ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर में मैगी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगी। जब मैगी बॉयल होना स्टार्ट हो जाए तब इसमें मैगी के साथ जो टेस्ट मेकर मिलता है उसके 2 पैक्स ऐड कर देंगे। हम 2 पैक्स मैगी बना रहे हैं इसलिए हम इसमें 2 पैक मसाले डाल रहे हैं। आप इसे अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो या आप इसमें कोई भी मसाले जो आपको पसंद हो वो आप ऊपर से ऐड कर सकते हो। इसे बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉईल करेंगे। आप चाहें तो इसको ढक के भी बॉईल कर सकते हैं। थोड़ी देर में ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब मैगी पक चुकी है पर ये अभी बहुत ही गीली है। हम इसे बिल्कुल ड्राई होने तक कुक करेंगे। इस समय हम बिल्कुल ओपन ही कुक करेंगे, इसे ढकेंगे नहीं। थोड़ी देर के बाद मैगी कुछ ऐसी हो जाएगी और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब इसमें हम पास्ता पिज्ज़ा सीजनिंग ऐड करेंगे। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो या आप इसके बिना भी बना सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। एक बार फ्लेम को हाई कर देंगे। जब मैगी बिल्कुल ड्राई हो जाए तब इसे हम सर्व करेंगे। हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। गर्मा गर्म मैगी और भी टेस्टी लगती है। अब आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। हमारी चिली गार्लिक मैगी बनकर तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करें। हमने और भी टाइप्स की मैगी की रेसिपीज चैनल पर शेयर की हुई हैं, आप उन्हें भी ट्राई करें। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें। और हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।